हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी के साथ ही हेल्दी भी होता है। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं उनको खिलाने का बहुत ही आसान तरीका। आप इसे डिजर्ट के रूप में कभी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 2 चम्मच रास्पबेरी कस्टर्ड पाउडर, 1/2 लीटर दूध, 100 ग्राम शक्कर, 50 ग्राम अंगूर को हमने धो के तोड़ लिया है, 1 कप अनार के दाने निकाल लिए हैं। 1/2 लीटर के बाद हमने 4 बड़े चम्मच दूध लिया है जिसमें हम कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। 2 केला को हमने पील करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1 मीडियम साइज एप्पल को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और हम कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। तो हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये ब्लूबेरी कस्टर्ड पाउडर है और हमने 1/2 कटोरी दूध कच्चा ही अलग रखा था। इससे हम कस्टर्ड का घोल बनाएंगे क्योंकि गर्म दूध में कस्टर्ड डालने से लम्स आ जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता, फिर तो फ्रूट कस्टर्ड अच्छे से तैयार नहीं होता है। तो हमें तब तक खोलना है जब तक इसका एक मिक्सर तैयार ना हो जाए। तो हमें इसे अच्छे से घोल लेना है। ये बहुत ही इजीली घुल जाता है। कस्टर्ड पाउडर कोई भी शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है, आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो हमने 1/2 कटोरी दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लिया। अब हम दूध की तरफ चलेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को तेज कर लेंगे और दूध को चलाते हुए कस्टर्ड का घोल डालेंगे। तो हम 1 चम्मच घोल डाल के इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। एक साथ में घोल नहीं डालना है, नहीं तो जम जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे और दूध को चलाते रहेंगे। तो हमने सारे घोल डाल लिया है। अब हम इसे चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक गाढ़ा होने के लिए पकाएंगे। दूध पकने पे गाढ़ा हो जाता है कस्टर्ड के साथ। तो हम इसे चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने कस्टर्ड को दूध में डाल के पकाया है तो दूध अपना गाढ़ा हो गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें दूध में कस्टर्ड का घोल डालने के बाद हमने 2 मिनट तक इसे पकाया है। तो आप ध्यान से देखिए, दूध अपनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम चीनी लिया है। आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो शुगर की मात्रा बढ़ा दीजिए, कम चाहिए तो कम कर लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट माप है। अब हमें शक्कर घुलने तक इसे चलाना है। तो हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कस्टर्ड को हम आधा घंटा तक ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म कस्टर्ड में फ्रूट्स डालेंगे तो फ्रूट्स पक जाएगा, तो इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया, हमने एक बाउल में इसे निकाल लिया है। अब हम इसमें फ्रूट्स मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम केला को डाल रहे हैं, एप्पल, अंगूर, अनार। तो यहाँ पे आप अपने मन पसंद का फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो पसंद है उसे डालिए, जो नहीं पसंद है उसे कम कर दीजिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अपने सारे फ्रूट्स में कस्टर्ड जो है अच्छे से लिपट रहा है। तो हमने जिस मेजर से आपको बताया है वैसे बनाएंगे तो फ्रूट कस्टर्ड जो है एकदम परफेक्ट तैयार होगा। अब हमने सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा दारम से इसे गार्निश कर देंगे और इसे हम फ्रीज में 2 घंटा के लिए रख लेंगे। ठंडा होने के बाद फ्रूट कस्टर्ड का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। फिर हम 2 घंटे बाद इसे निकालेंगे। फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे थोड़ा सा सावधानी बरते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। जैसे कि कस्टर्ड को ठंडे दूध में घोलना है, टेस्ट के अनुसार शक्कर को अच्छे टाइम से डालना है, फ्रूट्स को कस्टर्ड ठंडा होने के बाद डालना है, इसे फ्रिज में चील करके खाइए तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।